वो टीवी का दृश्य अभी भी याद है जब नोटे ऐसे ऐसे जेब में रखी जाती थी। आज इस चर्चा में आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमान भर्तुहरि जी, श्री वेणुगोपाल जी, हरसिमरत जी कौर बादल, श्रीमान दिनेश त्रिवेदी जी, श्री मोहम्मद सलीम जी, श्रीमान सौमित्र खान जी, ऐसे अनेक सभी आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, अपनी राय रखी है। एक सार्थक चर्चा का प्रयास हुआ है और सदन ने इन सबको जिस प्रकार से सुना, उनकी बातों को प्रोत्साहित किया, इसलिए विचारों की अभिव्यक्ति वाले भी और विचारों को प्रोत्साहन देने वाले इस पूरे सदन का मैं धन्यवाद करता हूं। कुछ आलोचनाएं भी हुई, कुछ सिर पैर के बिना की बातें हुई, कुछ अपने मन को जो अच्छा लगता है वो भी हाँ बार बार बोलने की आदत वालों ने बोल भी लिया। लेकिन मैं मानता हूं कि ये चुनाव का वर्ष है तो स्वाभाविक है हर किसी की कुछ न कुछ मजबूरी है, कुछ तो बोलना ही पड़ता है। और इसलिए बहुत प्रभाव रहना बड़ा स्वाभाविक था। लेकिन ये भी सही है कि हम लोग यहां से जाने के बाद जनता जनार्दन को अपना कामकाज का लेखा जोखा देने वाले हैं, क्योंकि चुनाव का वर्ष है तो हमको जनता को जाकर के अपना हिसाब देना है। और मैं आप सभी को आगामी चुनाव में हेल्दी कंपटीशन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।